मौजूद नाज़रीन, आज आपको हकीकत से आगाह करने जा रहे हैं। हकीकत क्या है? क्या वाकई आज मेवे यूनुस गुरचानी को मौत की दहलीज तक पहुंचाने में मुलव्वस है या मस्कान ज़ारा का भी कोई हाथ है? आज मेवे के दामाद यूनुस गुरचानी की अचानक मौत ने बहुत से सवालों को जन्म दिया और आपको बताते चलें कि वाकई कड़ी शरायत थी जिसे यूनुस गुरमानी पूरा करने में बेबस थे। बस जब आर्ज मेविस से यह सवाल किया गया, उसने कितना रकबा मांगा था और जेवरात तलब किए थे यूनुस गुरचानी से मस्कान ज़हरा के एवज, और फिर जब वो शरायत यूनुस से पूरी ना हो सकी तो पहली मर्तबा इसकी मौत से कबल तुमने शादी से कब मना किया था और वो दिल बर्दाश्ता हो गए और मौत को गले लगा लिया। तो आर्ज मेविस का कहना था कि उसने अपने दामाद से सिर्फ 10 मरले प्लाट की शर्त रखी थी जो मेरा हक था। हालात के पेश नज़र जो मेरी बेटी का हक था, ताकि आने वाले कल में अगर मेरी बेटी को घर से निकाल दिया जाए तो उसकी जमा पूंजी इतना तो होनी चाहिए कि उसे मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आर्ज मेविस का ये भी कहना था कि वो खुद ज़िंदगी के इन हालात से गुज़र चुकी हैं और आंखें बंद करके अपनी बच्ची यानी मुस्कान ज़हरा को नहीं ब्याह सकती थी। इसका भी कहना है कि मैं जो कुछ मुस्कान ज़हरा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखवा रही थी वो सब कुछ यूनुस के घर ही जाना था, लेकिन यूनुस के वालिद ने जब यूनुस की कोई बात ना मानी और रिश्ता कबूल करने के लिए लेतो लाल से काम लेता रहा, जिससे यूनुस ने दिल बर्दाश्ता होकर इस फ़ानी दुनिया से कूच कर जाना ही बेहतर समझा और मैंने उसे आज तक रिश्ता देने से मना नहीं किया। अपने वालिद की वजह से ये सब कुछ कर गया, लिहाजा यूनुस के कूच की वजह उसका वालिद बना जो अपने बेटे पर 10 मरले प्लाट तो कुर्बान न कर सका लेकिन यूनुस का रुखसत होना बर्दाश्त कर लिया। लिहाजा जो यूट्यूबर मुझे दोषी बना रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जो कुछ भी कहना हो हकीकत जान कर कहें, बिना हकीकत मुझ पर बोहतानबाजी से गुरेज करें ताकि दुनिया व आखरत में रुसवाई के बजाय सुरखरू रहें।